नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा रेवाड़ी शहर में अतिक्रमण से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर नगर परिषद अधिकारियों को घेरा जाता रहा है, लेकिन जब वे कुछ करने निकलते हैं तो उलट आरोप मर दिए जाते हैं। इससे अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल भी गिर जाता है। बुधवार को नगर परिषद के कर्मचारी बाजार में अतिक्रमण हटाने निकले तो अतिक्रमण मिलने पर चालान भी कर दिए, लेकिन यहाँ पर हंगामा हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि व्यापारियों ने कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगा, दुकानें बंद कर दी। असल माजरा क्या है वह भी दिखाएंगे। पहले व्यापारियों के इस प्रदर्शन को देखिए। परिषद की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद की दीनावस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर परिषद द्वारा अपमान नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा, नहीं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। नगर परिषद की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि व्यापारी नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानें भी बंद देखी जा सकती हैं। अब आपको समझाते हैं आखिर असल में क्या है माजरा। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद कर्मचारी बुधवार को बाजार में अतिक्रमण मुक्त बाजार अभियान के तहत निकले थे। मोती चौक पर पहुंचे तो यहां पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक यहां पर एक भाजपा नेता का भी चालान कर दिया, इससे नेताजी बिफर गए। कर्मचारियों से चेयरपर्सन से बात कराने की बात भी कही, लेकिन कर्मचारियों ने बात अनसुनी कर दी। बस मामला यहीं से बिगड़ गया और भाजपा नेता व व्यापारी कर्मचारियों पर अभद्रता के आरोप लगाकर अपने प्रतिष्ठान बनकर सड़कों पर उतर गए। अभद्रता हुई या नहीं यह तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल है कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। व्यापारियों का आरोप भी दिखाएंगे। वहीं संबंध में जब फोन से नगर परिषद ईओ संदीप मलिक से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गई है दुर्व्यवहार न करें, मामले की जांच कराएंगे, यदि ऐसा हुआ है तो कार्रवाई जरूर करेंगे, व्यापारी इसका कोई सबूत दिखाए। वहीं उन्होंने व्यापारियों से भी अपील करते हुए कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने में सहयोग दें ताकि शहर को सुंदर बनाया जा सके। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब आपको दिखाते हैं व्यापारियों के क्या आरोप है, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा। जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी ने आपको बताया कि शाम को नगर परिषद के अधिकारियों ने किस तरह से बदतमीजी की। अभी आपको मालूम होगा 10 दिन रोज पहले रेस्ट हाउस में हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की और शहर के सभी प्रधानों की संयुक्त मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में ये पास हुआ था कि पीली पट्टी के अंदर आप सामान रख सकते हैं। आज जबकि दुकानदार ने पीली पट्टी के अंदर सामान रखा हुआ था, लेकिन अधिकारी ने कहते हुए भी चालान काटा और बड़ी बदतमीजी की जो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। कल सुबह मोती चौक पे सभी व्यापार संगठन के प्रधानों की मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में जो निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा, और जब तक उस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी हम अपनी व्यापार दुकानें बंद रखेंगे। मोती चौक व्यापार संगठन, आज जिस ढंग का जो माजरा देखा, मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने बिल्कुल बेलगाम हैं और अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं खुलेआम। हमने ये कहा कि भाई पीली पट्टी तक तो परमिशन चेयरमैन की तरफ से भी है, चेयरपर्सन की तरफ से भी है, अधिकारियों की तरफ से भी है, विधायक ने मीटिंग जब भी कहा है फेसबुक पर भी डाल रखा है, अखबारों में भी है, लेकिन वो कोई चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे और बदतमीजी कर रहे थे। बोले जो हम तो सबका चालान करेंगे, आपकी मर्जी में आओ जो करो। तो मजबूर होके व्यापारी ने अपनी अपनी दुकान तुरंत बंद की और वो धरने पे बैठे। व्यापारी बड़ा शांत है कि भाजपा नेता कोई चालान कटाया उसके बाद ये दुकान बंद करने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई, ये सब व्यापारी हैं, कोई चाहे भाजपा का है या कांग्रेस का मत है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहीं भी कोई सिग्नल नहीं आया, अपनी मर्जी से लोगों ने दुकान बंद की है। सबको बहुत बुरा लगा, व्यापारी तो बिल्कुल शांत प्रिय है, कहीं विरोध नहीं करता, लेकिन जब व्यापारी कहीं ना प्रोटोकॉल पूरे वो कर रहे थे फिर भी चालान करने की। व्यापारी ने 100% प्रोटोकॉल पूरे, मान लो जिसने नहीं किया है और जिसका गलत चालान और जो गलत ढंग से रखा है जिसका चालान किया गया, कोई विरोध नहीं किया किसी ने भी, और जो बिल्कुल लाइन के अंदर हैं उनका चालान किया गया, उसके अंदर सामान है, तो उसमें फिर व्यापारियों को जो है बड़ा तन बदन में उसको बड़ा भारी फील हुआ, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके साथ बदतमीजी हुई सबसे बड़ी बात। अगर व्यापारी की सुनवाई नहीं होती तो आगे व्यापारी कहां तक।
व्यापारी की कल सब संगठनों की मीटिंग है। मोती चौक व्यापार संगठन ने आह्वान किया है कि हमारा बाजार तो ये बंद रहेगा और हम ये चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने बदतमीजी की है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उनसे माफ़ी मांगी जाए या उनको सस्पेंड करे सरकार, उन पर जो है यथोचित कार्रवाई करे जब व्यापारी शांत होगा। और ये एक आश्वासन पुनः दिया जाए कि पीली पट्टी तक जो है ये आपको सामान रखने की परमिशन है, सार्वजनिक की जाए। मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारा मोती चौक व्यापार संगठन, प्रशासन का कोई भी निर्णय होता है तो हम सबसे पहले, हमारे प्रधान, मैं अपनी संस्था का प्रेस सचिव भी हूँ, सबसे पहले हम विज्ञप्ति जारी करते हैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को कि ये प्रशासन का निर्णय है, हमने पीली पट्टी से आगे नहीं जाना। इससे आगे के यदि कोई व्यापारी बैठता है तो हम उसका कोई समर्थन और सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए अपनी सीमा में रहें और प्रशासन का सहयोग दें। ऐसा हमने इस बार भी किया और आज भी जो व्यापारी इससे अलग होता है, बाहर होता है, तो हम उसके लिए नहीं आते। लेकिन आज जो पीली पट्टी से भी काफ़ी अंदर था काउंटर, उसके बावजूद उन्होंने चालान किया, इसके कारण हम सभी को इससे बहुत पीड़ा पहुंची है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं अभी तक बाजार बंद को ना, अभी तक अधिकारी कोई भी नहीं पहुँचा बड़ा और ना सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक उनकी तरफ से माफ़ी नहीं होती या प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी आकर हमें इसका कोई ठीक उपाय नहीं बताता, समर्थन नहीं करता हमारा। देखिए, आज नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर चालान करने के लिए आए थे और कोई ऐसी बात भी समझ में नहीं आई कि उन्होंने पीली पट्टी के अंदर रखे हुए सामान को क्यों जब्त करना और क्यों चालान काटने शुरू किए, जबकि नगर परिषद की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि जो पीली पट्टी नगर परिषद ने खींची हुई है उस पीली पट्टी को उन्होंने हद माना है, उससे आगे सामान नहीं रखेंगे, ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन है। उसके बावजूद मेरे पूछने पर कि हम पीली पट्टी के अंदर हैं, उसके बाद उन्होंने बदतमीजी शुरू की, मेरे द्वारा नाम पूछने पर उन्होंने नाम बताने से इनकार किया और ये कहा कि क्या कर लोगे आप, नाम जान के क्या कर सकते हो, मैं सबका चालान काटूँगा, शटर मेरी लिमिट जो है शटर है। तो अब अगर अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करने लग गए तो फिर सरकार किसके लिए, तो सारा मामला वहीं से शुरू हुआ है, उनकी तरफ से बदतमीजी हुई है और सब दुकानदारों के सामने सबके बीच में ये बदतमीजी हुई है। और तभी बाजार बंद करने लगा और तभी हमने ये बाजार को बंद करने का निर्णय लिया है। सुबह भी कल भी हम इस बाजार को बंद रखेंगे और सभी मार्केट एसोसिएशन पूरी रेवाड़ी की है, उनको भी कल सुबह इनवाइट किया है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या है? लगातार रेवाड़ी बंद रहेगी, ऐसा हमारा निर्णय रहेगा। कल सुबह सभी व्यापार भाइयों से हम मांग रखेंगे कि अब बातचीत करेंगे और जैसा भी निर्णय होगा वो हम कल सुबह फिर बताएंगे आपको। कल फिलहाल हमारा मोती चौक व्यापार संगठन है, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेगा, बाजार को बंद रखेगा। अभी सुनने में आ रहा है 4% पूनम पहुंचेगी, वो पहुंची नहीं तो कहीं ना कहीं नहीं हो सकता है, अभी तक तो कोई आया नहीं है, ना मेरे पास किसी का फ़ोन आया है, तो आधिकारिक रूप से किसी की कोई स्टेटमेंट या किसी का कोई आश्वासन अभी तक मेरे पास नहीं आया है। आपकी सरकार है और आपकी जैसे चेयरमैन है, आपकी पार्टी की है, अभी तक नहीं पहुंची तो बड़ा देखिए कोई ना कोई कारण होगा, हो सकता है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है उनकी नॉलेज में भी नहीं आई हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो जरूर इस मामले में संज्ञान लेंगे, कोई ना कोई जरूर इस मामले को उन तक पहुँचाया जाएगा और ज़रूर मुझे लगता है कल सुबह सब लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे। हाँ, शाम को 4 बजे के आसपास की बात है कि नगर पालिका के कर्मचारी दुकानों पर आए और अतिक्रमण के बारे में उन्होंने सामान उठाना शुरू किया। अब जो सामान बाहर था पीली पट्टी से वो उठाया, जब तक तो दुकानदार ने जुर्माना भी दे दिया, वो विरोध भी नहीं किया, लेकिन जब नगर पालिका ने कह रखा है कि पीली पट्टी के अंदर किसी का सामान नहीं उठेगा, उन्होंने उसको भी उठाना शुरू कर दिया, उनका चालान भी काटना शुरू कर दिया, व्यापारियों ने विरोध किया तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। तो इस तरह की बात तो नहीं चलेगी ना, तो ये सरकार का ये कौन से कर्मचारी इनको अपने आप देखना चाहिए, तो हमने बाजार बंद का ही फैसला लिया। अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है तो ना? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी कोई अधिकार आया नहीं है यहाँ, तो अभी कोई आश्वासन भी नहीं मिला। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति कल बाजार बंद देखेंगे, मोदी चौक बाद में देखेंगे क्या होता है, आगे रणनीति पूरे बाजार की बनाएंगे। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा? अभी कोई नुमाइंदा आया नहीं है, जब बात करेंगे फिर आएगा तो बात करेंगे।